quand il m'a demandé. Ben... कोर्ट जो है उसको फांसी की सजा दे और सारी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है उनके दोनों बाप की भी और उसके उस लड़के की भी। श्रद्धा मर्डर केस तो आप सबको याद ही होगा, जहां पर आफताब जो कि श्रद्धा का लिविंग पार्टनर था उसने उसके 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखा और धीरे धीरे करके उन टुकड़ों को मेहरौली के जंगलों में जाकर के फेंक दिया। आज वही दिल्ली है और एक वैसा ही मामला फिर से सामने आया है, जहां पर निक्की यादव नाम की लड़की को उसके लिविंग पार्टनर साहिल गहलोत ने उसका मर्डर कर दिया और उसके बाद उसको अपने ही ढाबे के फ्रीजर में कम से कम नहीं भी तो 4 से 5 दिन तक उसके शव को वहां पर रखा। और जब निक्की के घर वालों का जो कॉन्टैक्ट था निक्की से टूटा तो उसके घर वाले परेशान होना शुरू हो गए और इसी में धीरे धीरे करके वो झज्जर में निक्की रहती है, झज्जर से उसके जो परिजन है वो वापस यहाँ पर दिल्ली आए और पता लगाना शुरू किया तो सबसे पहले निक्की के फ़ोन पर कॉल किया उसके पेरेंट्स ने और जब फ़ोन की घंटी बजी तो वो उठाने वाला साहिल गहलोत था। साहिल ने ये बताया कि निक्की कहीं घूमने गई हुई है और अपना फ़ोन उस साहिल के पास छोड़ करके गई है। उसके पेरेंट्स को लगा कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, उन्होंने पुलिस में इन्फॉर्म किया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना चालू किया और फिर जा करके पता चला कि साहिल ने काफ़ी दिनों पहले ही निक्की का मर्डर कर दिया है और उसको अपने होटल अपने ढाबे के फ्रिज के अंदर 4-5 दिनों से बंद करके रखा है। इस वक्त हमारे साथ निक्की के रिलेटिव मौजूद है। सर आपका नाम क्या है? मेरा जगदीश नाम है। जगदीश जी, आपको क्या मालूम था कि साहिल नाम का कोई लड़का है जिसे निक्की के बाद? नहीं पता था। कभी निक्की ने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया? और आपको मालूम कब चला कि निक्की के साथ ऐसा कुछ हो गया? ये तो आप जब मर्डर हो लिया उसके बाद पता लगा, ये हमें पहले नहीं पता। ठीक है, लड़के का के पास निक्की का फोन बताया जा रहा था कि उसका फोन निक्की उसके पास क्या बोल रहा था? वो फोन क्या था जब आप लोग जब तो वो ये कह रहा था कि घूमने गई है, मेरे पास फोन छोड़ गया। कोई शादी का दबाव था निक्की के ऊपर जो उसके ऊपर साहिल के ऊपर? ऐसा कुछ नहीं। बात विचार में निक्की कैसे हुआ? निक्की का ऐसा कोई नहीं तो हमारे नॉलेज में ऐसा कोई बात है कि जो वो यूँ कह रही हो कि मैं शादी करूँगी या मेरा किसी से के साथ रिलेशन है, ऐसा कुछ कोई कभी बात ही नहीं हुई इस बात के बारे में कभी भी। ओके, और फैमिली को कब पता चला कि ऐसा कुछ हो गया? फैमिली को तो अभी ये जैसे सैटरडे को जब उसकी वीरवार को बात हुई थी, फिर शुक्रवार को नहीं हुई, तभी फैमिली को भी क्या बात हुई, फोन क्यों नहीं आ रहा। डेली फोन आते थे उसके शाम को तो माँ बाप से, तो और उस दिन फिर फोन नहीं आया उसका। हाँ नहीं। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि आखिर साहिल ने निक्की के साथ ऐसा किया क्यों? तो जहाँ तक अभी हमें पता चल पाया है, जहाँ तक उसके परिजनों का कहना है, वो बात ये है कि साहिल की शादी कहीं और शायद फिक्स हो गई थी और निक्की नहीं चाहती थी कि साहिल किसी और लड़की से जा कर के शादी करे और इसी बात को लेकर के उन दोनों में बहसा बहसी हुई और मामला गर्म इतना ज़्यादा हो गया कि साहिल ने निक्की का गला दबा दिया और जब उसने उसका मर्डर कर दिया तो उसके बाद फिर उसको अपने ढाबे में जा कर के रख दिया। 10 फरवरी को साहिल गहलोत की दूसरे किसी लड़की से शादी हुई है और उसके बाद लगातार निक्की की जो फैमिली थी वो उसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। वहीं अब जा कर के पता चला कि साहिल ने उसका मर्डर कर दिया, गला दबा करके उसको मार दिया था और उसे अपने फ्रिज के अंदर स्टोर कर रखा था। और जहां तक हमें पता चल पाया है वो बात ये है कि आगे जा कर के साहिल भी आफताब की तरह निक्की के टुकड़े ही करने वाला था और इसीलिए उसने अपने ढाबे के फ्रिज के अंदर उसे स्टोर करके रखा। अब इस पूरे मामले में निक्की यादव मर्डर केस में जितने भी तमाम अपडेट्स होंगे, जो भी मूवमेंट होगी, इम्प्रूवमेंट होगी खबर में, वो अनकट के ऑडियंस को सबसे पहले मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको अनकट को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।